अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां डाइट में जोन स्तरीय एकेडमिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें वाद विवाद, कहानी, निबंध और तत्कालिक भाषा पर प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इन प्रतियोगिताओं में रीवा जोन की डाइट रीवा सीधी, उमरिया, शहडोल, सतना और कटनी की टीमों ने भाग लिया। आयोजित प्रतियोगिताओं में निर्णायक मंडल ने अपना निर्णय सुनाया और सभी को पुरस्कृत किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सत्यनारायण दुबे रिटायर्ड रेलवे अधिकारी रहे। आयोजित कार्यक्रम के संबंध में डाइट के प्राचार्य श्याम नारायण शर्मा ने बताया कि निर्णायक मंडल के निर्णय अनुसार प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया है। आइए दिखाते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां और सुनाते हैं प्राचार्य ने क्या जानकारी दी है। यहां पे मोबाइल फोन बिजली कनेक्टिविटी की समस्या भी होती है। आज हमारे हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ शिक्षा लेते हैं, जो कि आपका पिता माँ की राजनीति है। आज हम शिक्षा से 75% शिक्षा उपयुक्त हो सकती है। 75% जो गरीब गरीब पत्र है, जहाँ तक शिक्षा को पहुँच पाना मुश्किल है, वहाँ पे उन बच्चों को क्या कार्यक्रम चल रहा था। रीवा में आज डाइट रीवा में जोन स्तरीय अकेडमिक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। इन अकेडमिक प्रतियोगिताओं में चार प्रकार की प्रतियोगिताएं थी, वाद विवाद प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, निबंध लेखन की प्रतियोगिता और तत्कालिक भाषण की प्रतियोगिता। इस पे 6 डाइट माने रीवा जोन के अंतर्गत 6 डाइट आते हैं, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, उमरिया और कटनी। 6 डाइट के प्रतिभागियों ने भाग लिया था। निर्णायक मंडल ने अपना निर्णय दे दिया है। अब उनके पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सत्यनारायण दुबे जी हैं, जो रेलवे में चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। उससे सेवानिवृत्त होकर के आज हमारे बच्चों के लिए समय। आपका नाम और पद? श्याम नारायण शर्मा, प्राचार्य। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।